महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए वंचित बहुजन आघाड़ी ने अपने दम पर अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। कांग्रेस या और किसी पार्टी के साथ हमारी कोई बातचीत नहीं हुई है। ये कहते हुए बाला साहेब एडवोकेट प्रकाश अंबेडकर ने कहा कि वे आगामी विधानसभा चुनाव में सभी 288 सीटों पर उम्मीदवार उतारेंगे, जिसकी पहली लिस्ट 30 जुलाई को जारी कर दी जाएगी। वे मुंबई में एक पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे। लोकसभा में वंचित बहुजन आघाड़ी को ईवीएम के कारण पराजय झेलनी पड़ी, अब वे ईवीएम के विरोध में कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं, ये भी एडवोकेट प्रकाश अंबेडकर ने कहा। उन्होंने आगे कहा कि कई निर्वाचन क्षेत्र में मतदान वाले वोटों की संख्या और गिने गए वोटों की संख्या में भारी अंतर है। एडवोकेट प्रकाश अंबेडकर इस बात पर भी जोर दे रहे थे कि जिन्होंने उन्हें बीजेपी की बी टीम कहा, वे लोग वंचित बहुजन आघाड़ी को 40 लाख वोट देने वाली जनता से माफी मांगे। बाला साहेब एडवोकेट प्रकाश अंबेडकर ने माना कि लोकसभा चुनाव 2019 में उन्होंने सभी निर्वाचन क्षेत्र में वंचित बहुजन आघाड़ी के उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतारे थे, लेकिन उन्हें सिर्फ औरंगाबाद में ही जीत मिली। फिर भी वे आगामी विधानसभा चुनाव में सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे।